नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ कश्यप आपके चैनल माय लाइफ वीडियोस पर सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है टेस्टर। टेस्टर के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये एक ऐसा छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आप सभी के घर में मिल जाएगा और इसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे, आप सभी ने इसको यूज में लिया होगा। टेस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो फेज वायर के अंदर फेज का यूज करने के काम आता है कि उसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसकी काफी सी लिमिट्स होती हैं कि कौन से फेज वायर 220 टू 240 जो लाइन होती है उसके अंदर ही काम में ले सकते हैं, ऐसे कुछ काफी सारे। पर आज हम बात करेंगे इसके पीछे के बारे में, इसके काम कैसे करता है, एक्चुअल में इसके अंदर क्या अंदर चीज लगी होती है जिसके तरीके से काम करता है, हमारा करंट क्यों नहीं आता है। ठीक है, एक चीज आपने देखी कि टेस्टर के अंदर जो बल्ब रहता है वो ब्लिंक करता है, वो ब्लिंक क्यों करता है, कंटिन्यूस क्यों नहीं लगता, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिए। ठीक है, तो इसके लिए अंदर की बात जानने के लिए हमें इस टेस्टर को सबसे पहले खोलना होगा। तो दोस्तों, इस टेस्टर को हम खोलेंगे, ऊपर से टेस्टर खुल जाएगा। ठीक है, देखेंगे तो आपको, आप इस टेस्टर के अंदर देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसमें देखेंगे कि एक स्प्रिंग है। ठीक है, इस स्प्रिंग को मैं साइड में रख देता हूं। उसके बाद इसके अंदर से निकलेगा एक ये बल्ब निकला है, ये बल्ब है, इस बल्ब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और एक निकला है ये। तो सबसे पहले अगर आपने टेस्टर किसी फेज वायर का टच किया तो वहां से जो फेज करंट आएगा सबसे पहले जाएगा इसके अंदर, ये है दोस्तों रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या काम करता है, जैसे ही इसके अंदर करंट जाता है यानी इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो जो लाइन चल रही है 240 वोल्ट की, तो वो करंट इसके अंदर आने के बाद रेजिस्टेंस क्या करता है, उस करंट को कम कर देता है, कम करके भेजता है इसके पास। ये है लैंप। इस लैंप का नाम क्या है, इसका नाम है नियॉन लैंप, NEON, नियॉन लैंप। और इसके अंदर एक गैस भरी होती है दोस्तों, सब काम उस गैस का होता है, उस गैस का नाम है नियॉन गैस। ठीक है, तो नियॉन लैंप है जिसके अंदर एक नियॉन गैस है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, जो नियॉन गैस होती है अक्रिय गैस होती है। ठीक है, इसके अंदर पड़े रहने पर, नॉर्मल पड़े रहने पर इस पर कोई क्रिया नहीं होती है। जैसे ही क्या होता है कि इस रेजिस्टेंस से करंट जाता है इस नियॉन लैंप के अंदर, क्यों, नियॉन लैंप के अंदर क्या है, नियॉन गैस है। जैसे ही नियॉन गैस के अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो उसके अंदर होता है आयनाइजेशन प्रोसेस। आयनाइजेशन प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि इधर से मिलता है फेस और हमारे टेस्टर के पीछे हाथ लगाने की वजह से उधर से मिलती है अर्थिंग, और आयनाइजेशन प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, नियॉन गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की वजह से स्पार्क होता है। उस स्पार्क की वजह से हमें लगता है कि बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो आपको आज के इस वीडियो में ये पता चल गया है कि जो बल्ब कंटिन्यू जलता नहीं है, बन चुल्लू ऐसे लपजुप होता है, तो वो बल्ब जलता ही नहीं है, वो सिर्फ एक स्पार्क होता है। फिर से बता देता हूं दोस्तों, जैसे ही आगे फेस वायर से जैसे आप टेस्टर टच करते हैं, वहां से करंट आने के बाद जाता है सबसे पहले इस रेजिस्टेंस के पास, रेजिस्टेंस उसका वोल्टेज घटाकर कम कर देता है और फिर जाता है वो इसके पास नियॉन बल्ब के पास। जैसे ही नियॉन बल्ब के पास आएगा, नियॉन बल्ब के अंदर कौन सी गैस है, नियॉन गैस, और नियॉन गैस कौन सी, अक्रिय गैस। जैसे ही इसके अंदर पड़े रहने पर तो कोई क्रिया नहीं होती, जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होगा, आयनाइजेशन प्रोसेस। जैसे इसके अंदर आयनाइजेशन प्रोसेस होगा, इधर से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इधर से इसको अर्थिंग मिल रही है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आयनाइजेशन गैस होता है, उसके अंदर आयनाइजेशन प्रोसेस की वजह से स्पार्क होता है और हमें यह लगता है कि बल्ब जल रहा है, और हमें इसका भी पता चल जाता है कि इसमें फेज करंट है और इस तरीके से टेस्टर काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन सब्सक्राइब को क्लिक करके आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद उसके पास दे रखे बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों अगर आपने मेरा ना वीडियो पसंद आया, अगर इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज इस दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड में यही कहूंगा, थैंक्स टू वॉचिंग योर चैनल माई लाइफ वीडियो।